लाहौर से खबर शामिल करते हैं। आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन एपका लाहौर सिविल सेक्रेटरिएट के सामने धरना। एपका मुलाजमीन का कहना है कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा हमारा धरना जारी रहेगा। वफाकी वजीर पराए तालीम शफकत महमूद ने बाज अजला में तमाम तर तलीमी अदारे बंद करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब के 9 अजला में 11 अप्रैल तक तालीमी अदारे बंद रहेंगे। NCOC के इजलास में फैसला किया गया है कि जिन शहरों में तालीमी अदारों को कोरोना के पेश नज़र बंद किया गया था वो 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। शफकत महमूद ने कहा कि इन अजला में अगर किसी जिले का इजाफा करना है तो ये सूबाई हुकूमत की सवाबदीद होगी। शफकत महमूद ने कहा कि NCOC के इजलास में बोर्ड के इम्तहानात के हवाले से ये फैसला किया गया है कि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात सूबाई हुकूमतों और बोर्ड के ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की 12 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर करते हुए नायब को गिरफ्तारी से रोक दिया। मरियम नवाज की तरफ से वकील आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज ने लाहौर हाईकोर्ट में दलाल दिए। इससे कबल मरियम नवाज आज अचानक लाहौर हाईकोर्ट पहुंचने के बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की अदालत में पेश हुई। उन्हें नायब लाहौर ने 26 मार्च को तलब कर रखा था। वकील आजम नजीर तारड़ ने अदालत के रूबरू नैब तलबी नोटिस के हवाले से फौरी समाअत की दरख्वास्त की। दरख्वास्त गुजार मरियम नवाज का कहना है कि नैब ने 2 इंक्वायरीज में 26 मार्च को तलब किया है। हुकूमत के दबाव पर नैब दरख्वास्त गुजार को गिरफ्तार करना चाहता है।